तो हे गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट पेटा जेनसन के बारे में। उनका जन्म 24 दिसंबर को 1919 में जैफर हिल्स नाम के शहर में फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में पिता का जन्म हुआ था। पेटा जेनसन का बचपन अपने पेरेंट के साथ फ्लोरिडा में ही बिताया था। हाई स्कूल के दौरान उनका पढ़ाई में इतना ज्यादा मन नहीं लगता था। उस समय उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, उनके साथ वो 4 साल तक रिलेशनशिप में रही। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद पेटा जेनसन ने फ्लोरिडा में ही नाइट क्लब में डांस के रूप में काम करना शुरू किया। एक दिन नाइट क्लब में पेटा की मुलाकात एडर इंडस्ट्री के मैनेजर के साथ हुई, जिसने उनसे इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के बारे में पूछा। फिर पेटा ने कुछ दिनों सोचने के बाद फैसला लिया कि मैं एडर इंडस्ट्री में काम करना पसंद करूंगी। सितंबर 2014 में पेटा जेनसन ने इवान स्टोन के साथ उनकी पहली फिल्म में काम किया। देखते ही देखते वो इतनी ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो गई कि उसके बाद के वर्षों में उसने कई सारी एडल्ट कंपनी के साथ काम किया। अपनी शुरुआत की 3 साल बाद 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। पेटा जेनसन की प्राइवेट लाइफ, जैसे कि उनकी स्कूल की पढ़ाई, परिवार, भाई बहन और इनके पेरेंट्स के ज्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वह अपने प्राइवेट लाइफ और रिश्तों के लोगों को नजरों में छिपा कर रखना पसंद करती है। कुछ रूमर्स के मुताबिक पेटा जेनसन की शादी हो गई थी, पर उनका डिवोर्स हो गया था। बाद में ही पेटा जेनसन ने एडल्ट करियर की शुरुआत की थी। पेटा जेनसन को फ्री टाइम में घोड़े सवारी करना बहुत पसंद है। उनका फेवरेट टीवी शो फ्रेंड्स है और उनका फेवरेट कलर ब्लैक है। पेटा जेनसन ने एवीएन अवार्ड भी जीता है और भी कई सारे अवार्ड उनके नाम है। पेटा जेनसन को ड्रिंक बहुत पसंद है। अब हम बात करते हैं पेटा जेनसन की कमाई के बारे में। उनकी नेटवर्थ 2 से 3 मिलियन डॉलर से भी अधिक है। अगर आप लोग पेटा जेनसन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, उनके फैक्ट्स, उनके बिहाइंड सीन, उनके कुछ राज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहां से जाके आप देख सकते हो पेटा जेनसन के बारे में कुछ फैक्ट। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं और एक नई बायोग्राफी वीडियो में।